हेलो क्लास, सो वेलकम टू आवर बायोलॉजी क्लास। तो आज आप देख सकते हो कि आज वीडियो नहीं है, आज तो बुक और पेन दिख रहा है, राइट? तो जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था, दैट इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें से एक पार्ट रह गया है, दैट इज़ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल और उसका डिफरेंशिएशन। सो एज वी हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट ऑर्गेनल्स विच आर इन्वॉल्व इन टू प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, आज हम उसको कैसे ड्रॉ करना है प्लांट सेल, कैसे ड्रॉ करना है एनिमल सेल, एंड वॉट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड विच ऑर्गेनल्स आर इन्वॉल्व इन टू इट, उनको हम एक एक करके रिवाइज करेंगे ताकि हमारा ऑर्गेनल्स का भी रिवीजन हो जाए और हमारा डायग्राम प्रैक्टिस भी हो जाए। तो डायग्राम प्रैक्टिस के लिए जैसे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो आपको फॉलो करने हैं। ये नोटबुक आप देख सकते हो, नोटबुक जो है आपका, उसका आपको 3/4 पेज तक डायग्राम ड्रॉ करना है। नीचे के साइड में आपका थ्योरी आना चाहिए। जो 3/4 पेज में डायग्राम ड्रॉ करोगे वो हमेशा बड़ा होना चाहिए, वो एक साइड में होना चाहिए, लेबलिंग उसके राइट साइड में होनी चाहिए। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है। अगर आप कलर पेन्स यूज़ करते हो, पेंसिल्स यूज़ करते हो, क्रियॉन्स यूज़ करते हो, आई एम वेरी हैप्पी विद इट, क्योंकि उससे ही आपका बुक थोड़ा लाइवली दिखेगा, आपको और पढ़ने में और मज़ा आएगा। ठीक है, तो ट्राई एंड यूज़ एंड इनकॉर्पोरेट एज मेनी कलर्स एज यू कैन, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप एग्जाम में भी करो। एग्जाम में आपको पेंसिल से ही ड्रॉ करना ज़रूरी है, क्योंकि उसके सिवा फिर जाके बहुत सारे बार मार्क्स कट जाते हैं आपके। तो इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग पेन और इंस्टेड ऑफ़ यूजिंग कलर थिंग्स, यू कैन यूज़ पेंसिल्स इन टू योर एग्जाम्स। ओके, तो दैट इज़ अबाउट फ्यू इंस्ट्रक्शंस विच आई वॉन्टेड टू गिव अबाउट दी डायग्राम ड्रॉइंग एंड ऑल ऑफ द थिंग्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग। दैट इज फर्स्ट थिंग विच वी आर गोइंग टू डू टूडे इज प्लांट सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल का डायग्राम जो ड्रॉ करेंगे, तो उसके सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे सेल कोट। तो प्लांट का सेल कोट जो है, सबसे बाहर का उसका कवरिंग इज मेड अप ऑफ ए सेल वॉल। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट ड्रॉइंग विद अ सेल वॉल। Now, I've utilized a lot of space. You can just reduce the space, okay? क्योंकि आपको लेबलिंग को भी स्पेस लगने वाला है, ये आप ध्यान में रखो। ठीक है, सो दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल, दैट इज सेल वॉल। उसके अंदर में आता है फिर सेल मेम्ब्रेन। सो लेट्स ड्रॉ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, सो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाद में इसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स जो हमने स्टडी किए थे, उसमें से देख लो, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन आ गया, हमारे पास साइटोप्लाज्म आ गया। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल विच गिव्स द ऑर्डर्स टू द सेल, एंड दैट इज द न्यूक्लियस। तो उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सो न्यूक्लियस को उसके बाहर का न्यूक्लियर एनवलप विच इज बाइलेयर्ड। ठीक है, बहुत सारे लोगों को न्यूक्लियस का डायग्राम ये वो डाउट्स थे, तो आप इसको ही ड्रॉ कर सकते हो, क्योंकि ये भी अपने आप में वैसा ही है जो आपको ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द न्यूक्लियर एनवलप आ गया हमारा। ओके, उसके अंदर में उसका क्रोमैटिन नेटवर्क आ गया। ओके, एंड देन वी विल हैव अ न्यूक्लियोलस इनसाइड, दैट इज अ डेंस बॉडी विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो दिस इज आवर न्यूक्लियस। बहुत ईजी है ड्रॉ करने में। ठीक है, आफ्टर न्यूक्लियस हमें पता है कि प्लांट सेल में सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल विच डिफरेंशिएट्स प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आफ्टर सेल वॉल इज द प्लास्टिड्स, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट। सो क्लोरोप्लास्ट के थाइलेकोइड्स, दैट इज ग्रेना, इसको आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो दो मेम्ब्रेन्स ड्रॉ कर लेना। मैं इसको काफ़ी बड़ा इसलिए ड्रॉ कर रही हूँ ताकि आपको इसके स्ट्रक्चर्स और जाके इसके फंक्शंस याद आ सके। ठीक है, तो ये डबल मेम्ब्रेनस था, उसके अंदर उसका स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा के अंदर में उसके ग्रेना है जो कि उसके फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। ठीक है, सो वी हैव हियर 3 क्लोरोप्लास्ट। उसके अलावा क्या होता है प्लास्टिड में? उसके अलावा प्लास्टिड होते हैं, दैट इज फॉर कलर, एंड देर आर प्लास्टिड्स विच आर फॉर स्टोरेज। तो हम ऐसे ही दो तीन खाली प्लास्टिड्स ड्रॉ कर लेंगे। ओके, देन आफ्टर दिस वी नो वी रिक्वायर माइटोकॉन्ड्रिया फॉर एनर्जी हार्वेस्टिंग, सो वी विल ड्रॉ अ माइटोकॉन्ड्रिया हियर। ओके, सो दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया विच इज यूटिलाइज्ड फॉर हार्वेस्टिंग द एनर्जी। ठीक है, एंड देन
नो प्लांट सेल में सबसे बड़ी चीज़ होती है, दैट इज़ ए वैक्यूल। तो प्लांट सेल का एक बड़ा सा वैक्यूल हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे पहले, ताकि स्पेस का यूटिलाइजेशन हम डायग्राम ड्रॉ करने में अच्छे से कर सकें। ठीक है, देन वी हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम्स इन टू इट। ठीक है, तो अभी मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ, बिकॉज देन इट विल क्रिएट अ बिट ऑफ मेस इफ़ आई यूज़ द सेम कलर इटसेल्फ। तो आई विल यूज़ अनदर कलर। तो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे, दिस इज नियर द न्यूक्लियस, सो दिस विल ऑलवेज बी आर ई आर। तो इसको मैं थोड़ा सा रफ अपियरेंस देने के लिए इसके ऊपर डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ, दैट इज द राइबोसोमल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, यहाँ से भी हम इसको ड्रॉ कर लेते थोड़ा सा। ठीक है, सो दिस इज आर ई आर। देन वी विल हैव एस ई आर, तो एस ई आर को हम इसमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ओके, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए हमारे दोनों टाइप के। ओके, देन आफ्टर दिस वी हैव, आफ्टर दिस वैक्यूल हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हो गए, देन वी विल हैव, व्हाट एल्स डू वी हैव, वी हैव गॉल्गी अपैरेटसेस। ओके, तो गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस को हम इसमें इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। सो दीज आर गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, एंड देन we can add up a bit of ribosomes to it. साइटोप्लाज्म में, ठीक है, एंड दिस इज इट, दैट इज आवर प्लांट सेल। ओके, तो हम इसका लेबलिंग स्टार्ट कर देते हैं। सो लेबलिंग करने के लिए विल यूज द सेम पेन इटसेल्फ, एंड देन सी आई एम जस्ट डूइंग द लेबलिंग ऑन द राइट हैंड साइड। ओके, यहाँ पे आ गया अपना सेल वॉल। ठीक है, दिस वन इज आवर सेल मेम्ब्रेन। ओके, देन दीज आर प्लास्टिड। ओके, दीज आर राइबोसोम्स। ये हो गया अपना आर ई आर। ठीक है, ये है अपना माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, यू कैन राइट इट, जगह छोड़ के आप ड्रॉ करो। दिस इज क्लोरोप्लास्ट। ओके, एस ई आर। अभी जैसे मैंने यहाँ पे ये जानबूझ के किया, आपने कभी भी इसको ऐसे नहीं करना है। कोई भी ऑर्गेनल इंटरसेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी ऑर्गेनल आपके एरो के बीच में नहीं आना चाहिए। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस वी कुड हैव डन फ्रॉम हियर। ओके, दैट इज यहाँ पे हम एस ई आर लिख सकते थे, या फिर इस ऑर्गेनल को हम हटा के कहीं और दूसरी जगह भी लगा सकते हो, या फिर रख सकते हो, या फिर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप कभी भी कोई भी ऑर्गेनल को इंटरसेक्ट ना करो विद द लाइन्स विच यू आर ड्रॉइंग इन टू योर डायग्राम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, देन आफ्टर दिस वॉटर रिमेन्स हो गया, और फिर आ गया अपना गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस। तो जैसे अभी यहाँ पे से भी ये कट करके जा सकता है, बट देन वॉट आई विल डू इज विल टेक इट लाइक दिस। Getting it? ठीक है, सो दिस इज अ टिपिकल प्लांट सेल। तो डायग्राम जैसे हो जाता है, ऑलवेज मेक श्योर यू राइट फिगर ए प्लांट सेल। ओके, जैसे हमें नाम है, वैसे हमारे डायग्राम को भी नाम होना जरूरी है। ओके, तो दिस मेक्स आर प्लांट सेल। नाउ वी विल गो टुवर्ड्स द एनिमल सेल डायग्राम। ओके, सो हाउ टू ड्रॉ एन एनिमल सेल, अ टिपिकल एनिमल सेल डायग्राम, दैट वी विल स्टडी टूडे। सो दिस इज आवर सेकेंड डायग्राम ऑफ द डे, दैट इज एनिमल सेल। ठीक है, सो
सो कमिंग टुवर्ड्स द एनिमल सेल डायग्राम, तो एनिमल सेल का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहली बात तो इसमें सेल वॉल नहीं है, तो सेल वॉल नहीं है तो इसमें डायरेक्टली आउटर मोस्ट कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन ड्रॉ करना है तो उसके पहले तो हमें इसमें ये थोड़े से विलाई ड्रॉ करनी है या फिर सीलिया ड्रॉ करनी है, जो उसमें जनरली हो सकती है ब्रश बॉर्डर्स होती है या फिर उसमें कुछ सीलिया हो सकती है, तो अलग अलग चीज़ होती है एनिमल सेल में, तो हम इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज द मेम्ब्रेनस फोल्डिंग्स विच मे गिव राइज टू सीलिया, विलाय और एनीथिंग एल्स। ठीक है, देन वी ड्रॉ द सेल। नाउ दिस इज काइंड ऑफ सर्क्युलर बिकॉज ऑब्वियसली प्लांट सेल में सेल वॉल है, इसमें सेल वॉल नहीं है, इसका शेप कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो हेंस इट इज लाइक दैट। देन कम्स द न्यूक्लियस, क्योंकि हमारे पास सेल मेम्ब्रेन हो गया, अभी आता है सेल वॉल हो गया और आता है न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियस को मैं यहाँ पर थोड़ा सा सिंपलर ही ड्रॉ कर लेती हूँ। That is nuclear membrane. Then comes the nucleolus. Okay. And after nucleolus, there is chromatin fiber network, which is present inside it. ठीक है, so that is chromatin network. And after this comes the, अभी nucleus draw कर ही लिया है तो फिर nucleus पे के पास में होता है RER. ओके, जस्ट ड्रॉ वन मोर आर ई आर ई आर। आपको जितने चाहिए, आपको जहाँ चाहिए आप ड्रॉ कर सकते हो आर ई आर को। ठीक है, तो दिस इज आर ई आर। रफ दिखने के लिए उसमें राइबोसोम्स ड्रॉ कर लो। ओके, सो आफ्टर राइबोसोम्स देन कम्स दी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एस सी आर ड्रॉ करना है हमें, एस सी आर विल बी नियर हियर। ओके, सो दिस इज एस सी आर। डन, एंड देन वी हैव गोल्गी बॉडीज और गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस, उनको ड्रॉ कर लो। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस। देन ऑल्सो वी हैव इन टू प्लांट सेल, वी नो दैट वी हैव माइटोकॉन्ड्रियाज, सो वी विल ड्रॉ अ फ्यू माइटोकॉन्ड्रियन्स बिकॉज विदाउट देम देर वोंट बी एनी वर्क डन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रियन, सेकेंड। ठीक है, then we will just randomly fill up a few ribosomes here and there. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गॉल्गी हो गया, वी हैव ड्रॉन ERs एंड देन वी हैव ड्रॉन न्यूक्लियस एंड देन वी हैव द न्यूक्लियस के पार्ट्स एंड देन वी ऑल्सो हैव वेरी इंपॉर्टेंटली this is an animal cell so there will be a lysosome ठीक है तो लाइसोजोम हो गया इसमें एंड देन देर विल बी स्मॉल वैक्यूल्स क्योंकि एनिमल सेल में बड़े वैक्यूल नहीं होते हैं एनिमल सेल में छोटे वैक्यूल्स होते हैं ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया हुआ था ओके सो दिस इज द वैक्यूल्स एंड देन मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी दैट इज सेंट्रोसोम्स विच आर प्रेजेंट एज स्टार शेप नियर द न्यूक्लियस ठीक है तो ये हो गए हमारे सारे
एनिमल सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो हम इनको लेबलिंग कर लेते हैं. सो फर्स्ट इज सेल मेम्ब्रेन, देन वी हैव साइटोप्लाज्म, ओके, देन वी हैव स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हियर इज ए वैक्यूल, ठीक है, एंड देन वी हैव ए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियन, देन वी हैव इज RER, दिस इज न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है, एंड देन देर इज क्रोमैटिन नेटवर्क, वी हैव हियर इज न्यूक्लियोलस, ओके, लाइसोसोम्स, एंड देन दिस इज डायग्राम ऑफ और फिगर ए एनिमल सेल, ठीक है. अभी इसमें डिफरेंसेस क्या क्या है, जैसे हमने डायग्राम में ड्रॉ किया और हमने सब चीज़ें देख ली, तो हम इसमें डिफरेंसेस भी देखते हैं, ठीक है. तो यूजुअली अगर हम प्लांट सेल को देखेंगे, देन इट इज वेरी लार्ज इन साइज, ओके, इट इज़ हैविंग डिस्टिंक्टिव आउटलाइंस या फिर बॉर्डर्स होती है इसमें बहुत सारी बाहर से, तो जिसकी वजह से इसका एक प्रॉपर टिपिकल शेप दिखाई देता है, ठीक है. देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय ए रिजिड सेल वॉल विच इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, ये हमने इसमें डिस्कस किया हुआ था कि ये जो सेल वॉल है इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन टू द प्लांट सेल. देन वी नो दैट साइटोप्लाज्म इज नॉट सो डेंस बिकॉज उसमें बहुत सारी जगहें जो है वो वैक्यूल्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं, एंड देन इट इज नॉट वेरी डेंस. देन इसमें प्लास्टिड्स प्रेजेंट है अलग अलग टाइप्स के, क्लोरोप्लास्ट्स है, कलर प्लास्टिड्स है, ल्यूकोप्लास्ट्स है, इनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं. देन वैक्यूल इज प्रोमिनेंट, वन और मोर देन वन वैक्यूल कैन बी प्रेजेंट, एंड देन प्लांट सेल्स हैव मेनी सिंपलर यूनिट्स ऑफ गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस एंड दीज आर जनरली इन टू प्लांट सेल कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स, ठीक है. तो इसका दूसरा नाम डिक्टियोसोम्स भी है, आप इसको याद रख सकते हो. एंड देन सेंट्रोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट इन टू प्लांट सेल, तो इसीलिए हमने इसमें कुछ न्यूक्लियस में ड्रॉ नहीं किया हुआ है वॉट इज सेंट्रोसोम, ओके. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द एनिमल सेल, ठीक है. तो एनिमल सेल के क्या क्या पॉइंट्स है, सबसे पहला तो इसमें फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है. देन जनरली दीज आर डिफरेंट, वी कैन से दीज आर स्मॉलर, दीज आर लेस डिस्टिंक्टिव बॉर्डर, एंड समटाइम्स दे आर जनरली इसके बाउंड्रीज जो है उसको शेप देने के लिए बहुत सारे बार तो इतना हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा तो नहीं होता है, ठीक है. देन एनिमल सेल्स आर यूजुअली स्पेरिकल इन शेप, नॉर्मली जो है वो स्पेरिकल ही दिखते हैं, इसीलिए इसको हमने थोड़ा सा इसको सर्कुलर टाइप ड्रॉ किया हुआ है, ओके. इसमें सेल वॉल बिल्कुल भी नहीं है जैसे हमने प्लांट सेल में देखा हुआ था. देन साइटोप्लाज्म जो है इसका डेंस होता है जनरली, क्योंकि इसमें वैक्यूल छोटा है, तो इसमें मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर स्टोर्ड इन टू द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ, ओके. सो हेंस साइटोप्लाज्म इज डेंसर, एंड देन वी कैन सी दैट इट इज ग्रैन्युलर ऑल्सो, क्योंकि इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है. एंड देन प्लास्टिड्स जो है इसके अंदर एबसेंट है, क्योंकि स्टोरेज के लिए इसके पास कुछ प्लास्टिड वास्टिड है नहीं, ओके. देन वैक्यूल जो है जैसे मैंने पहले भी बोला स्मॉल है, अगर हो तो स्मॉल है, एंड जनरली दीज आर टेम्पररी, एंड दीज माइट बी फॉर सम और द अदर सिक्रीशंस और एक्सक्रीशन विच आर नीडेड टू बी डन आउट ऑफ द प्लांट सेल. देन ऑल्सो एनिमल सेल दे हैव हाईली एलेबोरेट गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस, इनके गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस काफ़ी फंक्शनल होते हैं एज कम्पेयर टू एनिमल सेल, क्योंकि एनिमल सेल में कुछ ज़्यादा इतना फंक्शनिंग है नहीं, इसमें कैसे नया नया चीज़ बनते जाते हैं और उसको नया नया हमें पैकेजिंग करना है, उसको फॉर्म चेंज करना है और उसको फिर ट्रांसपोर्टेशन करना है. सो हेंस गॉल्गी कॉम्प्लेक्सेस हियर आर वेरी इंट्रिकेट एंड वेरी highly functional in nature, okay. And then there are centrosomes present here which are present near the nucleus which help into the process of cell division, okay. Along with centrosomes there are few soluble proteins which are present into the cytoplasm which also gives it a denser appearance into animal cell, and that is called as cytoskeletal material, theek hai. To kya bola hai maine, cytoskeletal material, theek hai. तो ये क्या है साइटोस्केलेटल मटेरियल, तो ये साइटोस्केलेटल मटेरियल को हम बोलते हैं जनरली माइक्रोट्यूब्यूल्स,
ठीक है। तो माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो क्या करती है, दीज आर प्रोटीनेशियस ट्यूब्यूल्स विच आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म के अंदर एक डेंस नेटवर्क फॉर्म करती है और कोई भी सेल को शेप देने के लिए वो अंदर से एंडोस्केलेटन प्रोड्यूस करती है या फिर साइटोस्केलेटन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर स्केलेटल स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स इज कॉल्ड एज साइटोस्केलेटन। तो प्लांट सेल को तो सेल वॉल है शेप देने के लिए, एनिमल सेल को शेप कैसे मिल गया, तो एनिमल सेल का शेप कैसे मेंटेन होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ दीज माइक्रो ट्यूब्यूल्स और वी कैन से जो मैंने पहले भी बोला दैट इज साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो इसके अलावा सेल डिवीजन में भी ये हेल्प करता है, इसके अलावा ये फ्लैजेला फॉर्मेशन एंड अदर चीजों में जैसे सेंट्रोसोम्स के साथ मिलके ये काम करता है। ओके, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट डायग्राम्स विच यू हैव टू ड्रॉ इन टू योर नोटबुक, दैट इज ऑफ प्लांट सेल एंड दिस वन इज ऑफ एनिमल सेल। ठीक है, ये टिपिकल प्लांट सेल एंड टिपिकल एनिमल सेल का डायग्राम है, आपको इसको ड्रॉ करना जरूरी है। अलॉन्ग विद दिस I am also going to provide you a differentiation chart that is of plant cell and animal cell. आपको ये chart भी आपके notebook में लिख के लेना है और आपको मैं prokaryotic cell and eukaryotic cell का differentiation chart भी दे रही हूँ, वो भी मुझे आपके notebook में लिख के चाहिए। तो आपका जो भी homework है वो ये है कि आपको plant cell draw करना है, animal cell draw करना है, typical structure, you have to write the differentiate between जो भी provide किया जा रहा है एंड देन जो भी exercise questions होंगे उनको solve करना है। सो दिस एंड्स विद our फर्स्ट चैप्टर दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो भी बेसिक सी चीज़ें थी वो भी कंप्लीट हो गई है। अभी बचा है अपने पास सिर्फ सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास। ओके, उसके पहले आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ स्मॉल टेस्ट ऑफ योर क्लास ऑल्सो, तो आप लोग उसकी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, एक छोटा टेस्ट हो जाएगा आपका एंड देन वी विल move towards the next chapter. Okay, so we'll stop here today. छोटा सा क्लास था, बस आपको डायग्राम भी बस ड्रॉ करना सिखाना था और जो डिफरेंशिएशन थे वो डिस्कस करने थे। तो आई होप ये जो डिफरेंशिएट बिटवीन है आपको हेल्प करेगा और मैं जो प्रोवाइड करूँगी आप प्लीज़ उसको अपने नोटबुक में विदाउट फॉरगेटिंग नोट डाउन करके रखो। ओके, सो आई विल सी यू ऑल टुमारो और इन टू आर नेक्स्ट क्लास, आई विल सी यू ऑल इन टू नेक्स्ट क्लास एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट प्रोसेसेस involved into cell cycle and cell division. Okay, so bye, take care.